today's topic of lecture is relationship of neuropsychology with other branches of psychology. It means neuropsychology का psychology की जो दूसरी branches हैं उनके साथ क्या relationship है ये हम आज देखेंगे. तो सबसे पहले हमें जिस फील्ड का रिलेशनशिप देखना है न्यूरोसाइकोलॉजी के साथ वो फील्ड है क्लिनिकल साइकोलॉजी. क्लिनिकल साइकोलॉजी का क्या रिलेशनशिप है ये हम देखेंगे. तो क्लिनिकल साइकोलॉजी और न्यूरोसाइकोलॉजी को जब मिलाकर स्टडीज करी जाती हैं तो एक नई फील्ड बनती है जिसको कहा जाता है क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी. क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी साइकोलॉजी का एक सब फील्ड है जो कि मेनली ब्रेन और बिहेवियर के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसकी अप्लाइड साइंस के बारे में स्टडी करता है. यानी मेनली ब्रेन और बिहेवियर के रिलेशनशिप के बारे में क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है. जो क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हैं वो अपनी नॉलेज को ऐसे पेशेंट्स की असेसमेंट करने में यानी टेस्ट करने में उनका डायग्नोसिस बनाने में कि उनको क्या डिसऑर्डर है या क्या प्रॉब्लम हो रही है या किस तरह की उनको कोई मेंटल या न्यूरोलॉजिकल बीमारी है उनको ये देखने के लिए और कोई पर्टिकुलर अगर उनको प्रॉब्लम है तो उस चीज का इलाज करने के लिए और उनका रिहैबिलिटेशन यानी कि उनका पुनर्वास करने के लिए अपनी नॉलेज का इस्तेमाल क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट करते हैं. मेनली जो क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हैं वो पेशेंट में अलग अलग तरह के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मेडिकल कंडीशंस न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर यानी कि एज के साथ साथ जो डिसऑर्डर किसी भी व्यक्ति में डेवलप हो जाते हैं उस तरह के डिसऑर्डर या फिर साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स या साइकेट्रिक कंडीशंस जो हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट. उनको असेस करते हैं डायग्नोसिस करते हैं और उनका उपचार करते हैं. इसके साथ साथ किसी भी व्यक्ति के संज्ञानात्मक और जो उसके सीखने से संबंधित जितने भी डिसऑर्डर हैं उनके बारे में भी स्टडी करते हैं क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट या फिर उनका डायग्नोसिस या उनका ट्रीटमेंट करते हैं. द ब्रांच ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजी एसोसिएटेड विद चिल्ड्रन एंड यंग पीपल इज पीडियाट्रिक न्यूरोसाइकोलॉजी. अब यहाँ पर जो है क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी में भी फर्दर अगर सिर्फ बच्चों या फिर जो यंग एज के यानी कि एडोलेसेंस बच्चों या फिर एडोलेसेंस कि न्यूरोसाइकोलॉजी को स्टडी किया जा रहा है तो उस क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी के फील्ड को हम पीडियाट्रिक न्यूरोसाइकोलॉजी कहते हैं. क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजी का एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है जिसमें कि मेनली जो क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हैं वो इस बात पर फोकस करते हैं कि उनके पास अगर कोई भी प्रॉब्लम लेके कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसका एविडेंस होना चाहिए उसका एविडेंस जो है वो दिखाई देना चाहिए उस व्यक्ति के बिहेवियर में. ठीक है तो मेनली उसके बिहेवियर में दिखने वाले एविडेंस को लेकर वो डायग्नोसिस करते हैं और उसी के बेस पर फर्दर रिसर्च और ट्रीटमेंट करते हैं. द असेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ न्यूरोसाइकोपैथोलॉजीज इज द फोकस फॉर अ क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट. अब जो क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट है उसका मेन फोकस जो न्यूरोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल पैटर्न में चेंजेस हैं किसी व्यक्ति के या किसी तरह की न्यूरोलॉजिकल विकृतियां हो रही हैं उसको असेस करना यानी उसके बारे में पता लगाना या फिर जिस व्यक्ति को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करना इन दोनों चीजों पर मेन फोकस होता है क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट का. एक क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट जो है वो मेनली अपने पेशेंट का इंटरव्यू जब करता है तो इस चीज के ऊपर फोकस करता है कि उसको अगर किसी भी तरह की न्यूरोलॉजिकल इंजरी हुई है और उस न्यूरोलॉजिकल इंजरी से उसके बिहेवियर में चेंजेस आए हैं तो वो इंजरी किस वजह से हुई है
क्या वो उसके सिर में चोट लगने की वजह से हुई है या उसको किसी और वजह से वो इंजरी हुई है जिसकी वजह से उस पर्सन के बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और जो भी असेसमेंट वो करता है या डायग्नोसिस करता है उसके बेस पर फर्दर वो उस पेशेंट की हेल्प करता है। अनदर ड्यूटी ऑफ अ क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट इज टू फाइंड सेरिब्रल एबनॉर्मेलिटीज एंड पॉसिबल कोरिलेशन। इसके अलावा जो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हैं उनका जो काम या ड्यूटी होती है वो होता है किसी भी पेशेंट की सेरिब्रल एबनॉर्मेलिटीज यानी उसके ब्रेन का पार्ट है सेरिब्रल, तो उसमें किस तरह की एबनॉर्मेलिटीज आई हैं और सेरिब्रल में असामान्यता आने की वजह से उसके व्यवहार में किस तरह के परिवर्तन आए हैं, इन सब चीजों को स्टडी करता है एक क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट। अब क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी के फील्ड में हमेशा ही एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती है रिसर्च में भी और ट्रीटमेंट में भी, यानी कि क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट को अपने पेशेंट में साफ तौर पर सबूत दिखने चाहिए उसके बिहेवियर में या उसकी संज्ञानात्मक विकृतियों के रूप में यानी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के रूप में या फिर बिहेवियर एबनॉर्मेलिटीज के रूप में। Assessment is primarily by way of neuropsychological test, but also include patient history, qualitative observation, and may draw on findings from neuroimaging and other diagnostic medical procedures. तो जो main assessment है clinical neuropsychology के field में वो mainly neuropsychological test के through किया जाता है जिसमें कि patient की हिस्ट्री यानी पास्ट में क्या कुछ रहा है उस पेशेंट के वो सब स्टडी किया जाता है। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन करी जाती है, ऑब्जर्व किया जाता है उसको उसके बचपन से लेकर प्रेजेंट टाइम तक उसकी हिस्ट्री जानकर और उसके प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, किस तरह का उसका लाइफस्टाइल कैसा है या किस तरह की प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ रही है, कोई साइकोलॉजिकल ट्रोमास तो उसको नहीं है, इन सबको ऑब्जर्व किया जाता है। और उसके अलावा उस पर्सन की न्यूरो इमेजिंग जो है वो ली जाती है, यानी फॉर एग्जांपल न्यूरो इमेजिंग के एग्जांपल है आपके सीटी स्कैन, पैट स्कैन, एमआरआई स्कैन, यानी ये सब स्कैन करके उनकी फाइंडिंग्स का पता लगाया जाता है और उसके बेस पर डायग्नोसिस निकाल के उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी रिक्वायर एन इन डेप्थ नॉलेज ऑफ न्यूरो एनाटॉमी, न्यूरोबायोलॉजी, साइकोफार्माकोलॉजी एंड न्यूरोपैथोलॉजी। अब यहाँ पर एक मेन डिफरेंस जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी में ये भी है कि जो क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हैं उनको क्लिनिकल साइकोलॉजी और न्यूरोसाइकोलॉजी की तो इन डेप्थ नॉलेज होनी ही होनी चाहिए, यानी इन दो स्ट्रीम की तो उनको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा भी उनको कुछ एक स्ट्रीम है जिनके बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए जो कि है न्यूरो एनाटॉमी, न्यूरोबायोलॉजी, साइकोफार्माकोलॉजी एंड न्यूरोपैथोलॉजी। इन सब की भी एक क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट को अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजिकल नॉलेज टू द असेसमेंट, मैनेजमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ पीपल हु हैव सफर्ड इलनेस और इंजरी व्हिच हैज कॉज्ड न्यूरोकॉग्निटिव प्रॉब्लम। तो सिंपल सी भाषा में हम क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजी न्यूरोसाइकोलॉजिकल नॉलेज की इस तरह की एप्लीकेशन है जिसमें एक क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट किसी भी तरह की न्यूरोसाइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या फिर बिहेवियरल प्रॉब्लम को या कॉग्निटिव प्रॉब्लम को इस तरीके से असेस करता है कि वो प्रॉपर तरीके से उसका डायग्नोसिस बना सके, उसका मैनेजमेंट कर सके और उसका रिहैबिलिटेशन यानी उसका पुनर्वास कर सके। जो क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट है वो ये देखता है कि उसके बिहेवियर में या उसके कॉग्निशन में जो चेंजेज आ रहे हैं वो ब्रेन के किस पार्ट में इंजरी होने की वजह से आ रहे हैं। इन पर्टिकुलर दे ब्रिंग अ साइकोलॉजिकल व्यू पॉइंट टू ट्रीटमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ सच इलनेस एंड इंजरी मे अफेक्ट एंड बी अफेक्टेड बाय साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो पर्टिकुलरली
जो क्लिनिकल न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हैं वो ये देखते हैं कि कहीं उनकी जो कंडीशन है या उनकी जो इलनेस है उसका रीजन कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर तो नहीं है उनकी लाइफ में, कि किसी साइकोलॉजिकल ट्रोमा की वजह से या किसी मेंटल डिसऑर्डर की वजह से उनके ब्रेन में डिफेक्ट आ रहे हों और उसकी वजह से उनमें बिहेवियरल या फिर कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दे ऑल्सो कैन ऑफर एन ओपिनियन एज टू वेदर अ पर्सन इज डेमोन्स्ट्रेटिंग डिफिकल्टीज ड्यू टू ब्रेन पैथोलॉजी और एज ए कंसिक्वेंस ऑफ एन इमोशनल और अनदर रिवर्सिबल कॉज और बोथ। इसके अलावा वो इस बात पर भी फोकस करते हैं कि साइकोलॉजिकल ट्रोमा या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के अलावा उनमें किसी तरह की ब्रेन पैथोलॉजी तो नहीं है, यानी उनके मस्तिष्क में किसी तरह की विकृति तो नहीं आ गई है या उनको किसी तरह की संवेगात्मक परेशानी तो नहीं है या संवेगात्मक प्रॉब्लम या इमोशनल प्रॉब्लम तो उनको किसी तरह की नहीं है जिसकी वजह से उनमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स या व्यवहारात्मक असामान्यताएं देखने को मिल रही हैं। सेकंड जो है फील्ड, सेकंड फील्ड जिसका रिलेशन हमें देखना है न्यूरोसाइकोलॉजी के साथ वो है आपका बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। तो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी अपने आप में एक इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन है, यानी इंटीग्रेटिव वर्ड की जब हम बात करते हैं तो इंटीग्रेटिव का मतलब होता है जब भी किन्हीं दो या दो से ज्यादा फील्ड को मिलाकर एक फील्ड बनता है तो उसको हम इंटीग्रेटिव फील्ड या इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन बोलते हैं। तो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी अपने आप में एक इंटीग्रेटिव फील्ड है, इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन है जिसमें एक साथ कई सारे फील्ड या डिसिप्लिन इंक्लूडेड होते हैं। बायोसाइकोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं जो कि बायोलॉजी, जिसको बायोलॉजी की भी प्रॉपर नॉलेज होती है और क्लिनिकल साइकोलॉजी की भी अच्छी नॉलेज होती है, साथ में न्यूरोसाइकोलॉजी की भी उनको इनडेप्थ नॉलेज होती है। बायोसाइकोलॉजिस्ट ड्रॉ टुगेदर नॉलेज फ्रॉम द अदर न्यूरोसाइंटिफिक डिसिप्लिन एंड अप्लाई इट टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर। The following are a few of the discipline of neuroscience that are particularly relevant to biopsychology. तो जो biopsychologist या bioclinical psychologist होते हैं वो mainly इस बात पर focus करते हैं कि किसी भी person के behavior में अगर changes आ रहे हैं तो वो उसके brain में किस तरह के chemical changes होने की वजह से आ रहे हैं, किस तरह के केमिकल चेंजेस हो रहे हैं उसके ब्रेन में या किस तरह के केमिकल डिफेक्ट्स हो रहे हैं उसके ब्रेन में जिसकी वजह से उसके बिहेवियर में असामान्यताएं देखने को मिल रही हैं या उसके संज्ञानात्मक कार्यों में असामान्यताएं देखने को मिल रही हैं। अब कुछ एक डिसिप्लिन यहाँ बताए गए हैं न्यूरोसाइंस के जो कि बायोसाइकोलॉजी में जनरली स्टडी करे जाते हैं। जब भी एक बायोसाइकोलॉजिस्ट काम करता है तो वो मेनली इन सब न्यूरोसाइकोलॉजी के फील्ड के ऊपर भी फोकस करता है जब भी वो किसी पेशेंट को स्टडी करेगा या उसका डायग्नोसिस बनाएगा। तो पहला जो फील्ड है वो है न्यूरोएनाटॉमी द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम की संरचना का अध्ययन करना न्यूरोएनाटॉमी कहलाता है। न्यूरोकेमिस्ट्री, न्यूरल एक्टिविटी जो तंत्रिका तंत्र की एक्टिविटीज है उनका क्या केमिकल बेसिस है, यानी तंत्रिका तंत्र में जो रासायनिक चेंजेस हो रहे हैं या जो भी रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं उनके बारे में अध्ययन करना न्यूरोकेमिस्ट्री कहलाता है। न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, यानी जो नर्वस सिस्टम है हमारा तंत्रिका तंत्र और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में किस तरह का रिलेशन है या किस तरह की क्रियाएं उनमें आपस में हो रही हैं इसको अध्ययन करना न्यूरोएंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। न्यूरोपैथोलॉजी नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स की स्टडी करना, तंत्रिका तंत्र से संबंधित विकारों का अध्ययन करना न्यूरोपैथोलॉजी कहलाता है। न्यूरोफार्माकोलॉजी द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन न्यूरल एक्टिविटी, तंत्रिका क्रियाओं पर अलग अलग तरह की ड्रग्स या मेडिसिन का इफेक्ट देखना न्यूरोफार्माकोलॉजी कहलाता है। न्यूरोफिजियोलॉजी द स्टडी ऑफ द फंक्शंस एंड एक्टिविटी ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र की क्रियाओं और उसमें होने वाली एक्टिविटीज का अध्ययन करना न्यूरोफिजियोलॉजी कहलाता है।
न्यूरोसाइंस इज अ टीम एफर्ट एंड बायोसाइकोलॉजिस्ट आर इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द टीम. तो मेनली न्यूरोसाइंस जो है वो बहुत सारी अलग अलग स्ट्रीम्स की एक टीम होती है जिसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की स्ट्रीम्स एक साथ मिलकर काम करती हैं. और जो बायोसाइकोलॉजिस्ट होते हैं या बायोक्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो इस टीम का यानी न्यूरोसाइंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं. बायोसाइकोलॉजी कैन बी फर्दर डिफाइंड बाय इट्स रिलेशन टू अदर न्यूरोसाइंटिफिक डिसिप्लिन. बायोसाइकोलॉजी को दूसरे न्यूरोसाइंटिफिक जो डिसिप्लिन है उनके साथ एक रिलेशन के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है. यानी कि जितने बाकी के फील्ड्स हैं जो कि न्यूरोबायोलॉजी में काम करते हैं, सॉरी न्यूरोबायोलॉजी नहीं न्यूरोसाइकोलॉजी में काम करते हैं, उनमें से ही बायोसाइकोलॉजी एक इम्पोर्टेंट फील्ड है. बायोसाइकोलॉजिस्ट आर न्यूरोसाइंटिस्ट हु ब्रिंग टू देयर रिसर्च अ नॉलेज ऑफ बिहेवियर मेथड ऑफ बिहेवियरल रिसर्च. बायोसाइकोलॉजिस्ट न्यूरोसाइंटिस्ट होते हैं जो कि मेनली व्यवहार और व्यवहारात्मक रिसर्च किस तरीके से करना है इसकी नॉलेज को अपनी स्टडीज में लेकर आते हैं, या मेनली व्यवहार और व्यवहारात्मक कार्यों पर मेनली रिसर्च या अध्ययन करते हैं. It is their behavioral orientation and expertise that make their contribution to neuroscience unique. So mainly, जो biopsychologist को अलग बनाता है दूसरे psychologist से, वो ये चीज़ है कि biopsychologist जो है वो behavioral orientation कि हमारा behavior किस तरह के chemical changes का नतीजा है उस चीज़ के ऊपर mainly focus करते हैं. You will be able to better appreciate the importance of this contribution if you consider that the ultimate purpose of the nervous system is to produce and control behavior. अब जो biopsychologist है वो इस चीज के ऊपर भी रिसर्च या स्टडीज करते हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कैसे हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है या कैसे हमारे पर्टिकुलर बिहेवियर को प्रोड्यूस करता है, किस तरह के केमिकल चेंजेस होने पर हमारा जो बिहेवियर है वो दिखाई देगा, कोई पर्टिकुलर बिहेवियर किस केमिकल चेंज का रिजल्ट है हमारे ब्रेन में. ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे. कल हम जो करेंगे वो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी. कॉग्निटिव साइकोलॉजी का रिलेशन हम देखेंगे न्यूरोसाइकोलॉजी के साथ. आई होप सबको समझ आ गया होगा इतना जितना करवाया गया.